भैया आपके जैसे भाई साहब कैसे बनेंगे मेरे। अबे एक्सरसाइज तो करना सीख ले भाई। सर आप ही बता दो मेरे भैया के जैसे भाई साहब कैसे बनेंगे। तो तेरे को भी भाई साहब बनाने हैं भाई नोनू। सबसे पहले तो यार छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अब ये देख इसमें और तेरे वेट में सबसे पहले कंपैरिजन कर ले। ये आशु जैसे सीनियर है और देखो सीनियर होने के बावजूद भी उसने डंबल कितना कैरी किया है 5 kg और तेरा देख ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा 15। किसने बोला तुमको 15 किलो को वेट मारने के लिए बताओ। वही पुरानी आदत तो बोलेगा पुरानी जिम में ऐसे सिखाया है। तो गाइस काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और बिगिनर्स हैं जो ये कंप्लेन करते रहते हैं कि उनका बाइसेप साइज नहीं बढ़ रहा। अब आप आशु को देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से गेन कर रहा है मसल और कंट्रोल मैनर में ये अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म करता है। इसी का रीजन है कि उसका मसल ग्रो स्लोली और अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो आप लोग भी अगर बिगिनर हैं सबसे पहले फोकस कॉन्सेंट्रेशन करें अपने वेट सिलेक्शन में। अब अगर मैं आशु की मूवमेंट परफॉर्म करवा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितने कंट्रोल मूवमेंट में वो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहा है। अब अगर तू अपनी मूवमेंट दिखा जा रहा है एक बार उठा इसी से उठा तू कर क्या रहा था। गाइज ये लर्निंग सीरीज चल रही है और बहुत जरूरी है आपको कि ये मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक, आपको इंजरी हो सकती है। एंड गाइज काफी सारे लोगों को बच्चों को अब देख रहे हैं कैसे झटके छोड़ रहा है कि गाइज बहुत ही कॉमन 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 चीजें है छोड़ दे। ये तुझे पता क्या है छोड़ दे इसको। सबसे पहले गाइज कैमरे को पास लेके आओ ये देख रहे हो इसे क्या कहते हैं ये देख ये छोड़ दे ऊपर कर बाइसेप्स को ये देख रहा है एक बेल्ट है इसे कहते हैं टेंडन। ये क्या है इस मसल बेली के साथ जुड़ी हुई है इस हड्डी के अंदर तब जाके ये ऊपर परफॉर्म कर पा रहा है। अगर ये बेल्ट खुदा ना खास्ता टूट गई तो बेटा ये यहां आ जाएगा और बहुत डेंजरस इंजरी होगी। इसलिए आपका जो लेवल है वो समझो परफेक्टली परफॉर्म करो अपनी मूवमेंट को। आ जाओ वापस इस डंबल पे छोटे डंबल यूज कर और कर्लिंग का जो मूवमेंट होता है गाइस आप भी ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले तो चेस्ट आउट बैक आर्च एंड बहुत ही आराम से आपको डंबल को लिफ्ट करना है। हल्की सी रिस्ट आपकी ऊपर की तरफ बेंड रहेगी लाइक दिस स्लोली डाउन ऊपर से आ गुड चेस्ट आउट आया समझ जी सर। लग रहा है कुछ पंप जी। तो गाइस अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे थे तो प्लीज अवॉइड दीज मिस्टेक्स इससे आपको बहुत ही डेंजरस इंजरी हो सकती है और मसल तो यार ऐसे करके नहीं बनेगा बट आप काफी टाइम तक इंजर्ड रह सकते हैं। तो छोड़ दे आई होप जैसे आशु परफॉर्म कर रहा था वैसे परफॉर्म कर और अगर सीनियर से कुछ सीखने को मिलता है तो जरूर सीनियर से सीखो। आई होप गाइस आपको इस वीडियो से जरूर मैसेज मिला होगा। जो लोग पेज पे नए हैं प्लीज डू फॉलो माय फेसबुक पेज महेश देखिए यूट्यूब चैनल इज एवन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। इंस्टाग्राम पे DM करना मत भूलिएगा महेश 100। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखिए नमस्कार जय हिंद।